अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। आज मैं सुबह से काशिफ भाई के साथ हूँ, इनका ट्रांसपोर्ट का काम है, मेरे पिटारो के क्लासमेट हैं। तो हम लोग यहाँ तक आए थे, पेपरी तक आए थे, फिर वहाँ से गगर पाठक इनके एक दोस्त हैं, वो इनके मैं एक पांच इनके ऑफिस हैं, इनके एक ऑफिस के मैनेजर हैं। तो उन्होंने कहा कि गगर पाठक में मेरे पास ज़मीन है, सामने जो राइट साइड पर है ना, मोस्ट राइट पर जो है, वहाँ तक हम लोग आ गए। फिर आगे मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नूर हसन पताफी भाई है जिनसे गगर पाठक में मुलाकात हुई थी, इन्होंने कहा था मज़ीद ज़मीनें कुछ आई हैं दिखाने के लिए, तो मैं फिर आगे आ गया काशिफ भाई को लेकर। तो अभी हम नूर हसन भाई के साथ ही आए हैं। ये ज़मीन है बाबड़ा रोड के ऊपर, मीरपुर साकड़ो, साकड़ो जो मोड़ है ना, वहाँ से बाबड़ा रोड जा रहा है, वहाँ से अंदर आके बाबड़ा रोड है। तो ये मेन रोड पर है समझे, बिल्कुल ना, ये रोड बिल्कुल पक्का रोड है जो हम अंदर आए हैं। और ये फ्रंट वाली ज़मीन का टुकड़ा किसी और का है, इधर लेफ़्ट वाली ज़मीन फ्रंट वाली किसी और की है, और ये दरमियान में ये जो दरख्त नज़र आया टेढ़ा दरख्त, इधर से आगे समझें ये तिकोन के अंदर ज़मीन है, जिसमें वो पीछे उस तरफ झोपड़ियाँ भी शामिल है, और इधर आगे अंदर जो पानी नज़र आ रहा है वो भी इस ज़मीन में शामिल है। इसका जो डंग है ना, डंग मतलब बाउंड्री, वो ये वांटर है, वांटर मतलब नहर। ये जो है ना, ये जो ऊँची सी मट्टी नज़र आ रही है ये पानी है, और इसका एक रास्ता वहाँ से है जो कि अभी नॉर्मली यूज़ हो रहा है, मेन रोड से रास्ता ये आ गया इधर इस ज़मीन पर, और एक रास्ता ये कह रहे हैं कि यहाँ से भी दे देंगे। ये देखें ये मेन रोड है, इधर से देखें ये रास्ता अंदर, तो ये लिखवा के मतलब ये करेंगे जो भी है। 16 एकड़ ज़मीन है, और इसका रेट अभी पता करता हूँ, मेरा ख्याल है कोई 7 लाख कुछ बता रहे थे शायद। ये कितने एकड़ का कैसा है नूर हसन भाई? नहीं कितने रेट फाइनल 8 लाख मांग रहे हैं। 8 लाख, पहले 10 रुपये था, अभी 8 रुपये। अच्छा, फाइनल 8 लाख रुपए एकड़ मांग रहे हैं, मतलब तकरीबन 1,60,00,000 रुपए की ज़मीन पूरी बनती है। रोड सिर्फ 200 फुट, रोड से 200 फुट। मैं इधर अंदर जाके देखूँ, रास्ता है, रास्ता नहीं, कीचड़ में चल के आया हूँ मैं, सारे जूते मेरे ख़राब हो गए। ये देखें जी, ये ज़मीन है, ये वाटर है, वाटर मतलब नहर का पानी, इसको तो क्रॉस नहीं कर सकते। गीले कपड़े करने पड़ेंगे, कपड़े ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ आप लोगों को। दरख्त पे चढ़ूँ क्या? अच्छा जी, ये है ज़मीन में, रास्ता भी है, अंदर आबादी भी है। ये पूछना पड़ेगा कि भाई ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, छोड़ के जाएंगे नहीं करें, क्या करेंगे। मैं चढ़ गया दरख्त पे भाई, दरख्त पे चढ़ गया, ऐसा कैमरामैन नहीं मिलेगा आपको, व्यू अच्छा आ रहा है ना यहाँ से, पूरा क्लियर है। अभी बरसात हुई है, पानी सारा जमा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ये पानी यहाँ से जा रहा है ज़मीन के साथ साथ बिल्कुल। ये ज़मीन किसी और की है, और ये फ्रंट वाली ज़मीन किसी और की है। ये ज़मीन अवेलेबल है, 16 एकड़ है, मेन रोड से बिल्कुल 200 फुट के फासले पर है। ये देखिए मेन रोड पीछे है, पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 गाड़ियों में हम लोग आए, बाकी इंशाल्लाह मशवरे में देखते हैं। 8 लाख रुपये एकड़, 16 एकड़ टोटल है, मेन रोड से करीब है, बाबड़ा रोड पर है, कागज़ क्लियर है।